Hello friends, today our topic is viewport configuration tutorial. Here this is the full complete tutorial of the viewport configuration. यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें जो ये स्क्रीन के ऊपर जो ये आपको ये पूरी स्क्रीन है जिसके पर आप ड्राइंग बनाते हैं इसको हम व्यूपोर्ट करते हैं, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इसके लिए आप यहाँ पर जो हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू, इसके ऊपर जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन होंगे, इसमें ये व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, हम इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास अभी जो हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी सिंगल कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल व्यू पोर्ट है। अगर हमें टू वर्टिकल व्यू पोर्ट लेने हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जिससे ये टू वर्टिकल व्यू पोर्ट आ चुके हैं। हम अगर इसमें ड्राइंग बनाएंगे तो ये दोनों में अलग अलग उसमें व्यू पोर्ट दिखाई देंगे। इसके बाद आपको टू हॉरिजॉन्टल लेने हैं तो टू हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे व्यू पोर्ट। अगर आपको थ्री राइट करने हैं तो इस तरह थ्री राइट हो जाएंगे, थ्री व्यू पोर्ट हो गए इसके अंदर। थ्री लेफ्ट, अब लेफ्ट के अंदर हो गए व्यू पोर्ट इसमें। इस तरह हमारे पास ऑप्शन है थ्री, अब वो एक व्यू पोर्ट ऊपर है जिसमें हम ड्राइंग बनाएंगे उसके व्यू पोर्ट यहाँ पर दिखाई देंगे देंगे। थ्री बिलो, इसके बाद थ्री वर्टिकल ऑप्शन है हमारे पास, थ्री हॉरिजॉन्टल का भी ऑप्शन है, ये तो तीनों व्यू पोर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गए हैं। इसके बाद फोर इक्वल, फोर इक्वल पार्ट्स में हमारे व्यू पोर्ट आ गए हैं। इसमें आप हर एक ड्राइंग का कोई भी आप अगर ड्राइंग बनाते हो तो उसके अलग अलग व्यू यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। फोर राइट, फोर लेफ्ट, ये हमारे व्यू पोर्ट हैं, आप इसके अंदर अपना यूज़ कर सकते हो। तो हमारा टॉपिक था ये कि हम व्यू पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। आगे भी आप हमारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।